2011 का जो केस था उसमें यहाँ पे सजा मिली थी जी। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सचिन जय साहब ने आज 2011 का एक केस था एफ आई आर नंबर 14/2011 पुलिस स्टेशन सुन कोर्ट अंडर सेक्शन 302 307 325 और 147 आरपीसी। इसमें नौजवान जो काफ़ी तादाद में थे वो एप्लीकेशन फाइल की थी, मगर जब पुलिस ने चलान फाइल किया तो 9 मुलजमान के खिलाफ चलान जो है वो पेश किया था, जिसमें 6 मुलजमान जो है वो ट्रायल फेस कर रहे थे और 3 मुलजमान जो है वो अभी भी स्कॉन्ड। तो जो 6 मुलजमान ट्रायल फेस कर रहे थे उनमें से 2 मुलजमान ने अनरेबल हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो अनरेबल हाईकोर्ट ने उनको बेल पे छोड़ा था और साथ में अनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को हदायत की थी कि इस फैसले की जल्दी से जल्दी कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जाए। इन 6 मुलजमान में एक औरत भी है जिसका नाम रजिया भी है। मुलजमान में लाल सेन, मुंशी खान, रजिया भी, अल्ताफ, लतीफ़ और नेक मोहम्मद है। तो आज जनाब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने इसको 4 गिल्टी हेल्ड किया, यानी उनको मुल्ज़म करार दिया गया और उसके बाद वकला हजरात जो डिफेंस में पेश होते थे उनको हदायत हुई कि आफ्टरनून वो क्वांटम पे इस पर बहस करें। आफ्टरनून में क्वांटम पे बहस हुई और बहस में प्रोसिक्यूशन ने ये इस्तेहा की थी कि ये एक ब्रॉड डे लाइट ब्रूटल मर्डर है जिसमें एक बंदे की जान चली गई और बहुत सारे 4-5 बंदे जो है मजरूब हुए थे और इनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। मगर जय साहब ने लीनियट व्यू लेते हुए डेथ पेनल्टी के बजाय उनको उम्र कैद की सज़ा जो सुनाई है। इसमें जो उम्र कैद की सज़ा सुनाई है इसमें वकला हजरात जो पेश होते थे वो धीरज कौर और उनके एसोसिएट थे। तो अब इसमें जो 42 विटनेसेस थे, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, तो वो कंपाइल करते हुए ये प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब की बड़ी मेहनत है कि उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस लीड की थी उसको अप्रिशिएट किया और मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुँचाया।